गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के मैथ पोर्शन में, और उसमें जो एक्सरसाइज हमारी क्या है 1.3 है। यह जो एक्सरसाइज हुआ संख्या रेखा पर संख्याओं को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है उससे संबंधित है ना। तो जब हम बात करते हैं संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करने की, तो सबसे पहले हम जानते क्या है कि संख्या रेखा की डिफिनेशन क्या होती है ना। तो कोई भी रेखा है उस पर क्या कर दीजिए, आप पूर्णांकों को प्रदर्शित कर दीजिए, आप जान लीजिए कि क्या है वो संख्या रेखा है। तो किसी भी रेखा पर पूर्णांकों को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, संख्या रेखा कहलाती है ना। जब हम बात करते हैं पूर्णांक की, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं आपके पूर्णांक? पहला क्या होता है आपका, धनात्मक होता है, और दूसरा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है और दूसरा आपका ऋणात्मक होता है ना। इतने में तो कोई समस्या है नहीं। धनात्मक मतलब क्या हो गया कि वह कैसी है, संख्या हमारी प्लस में है, और दूसरा ऋणात्मक है तो वह नेगेटिव है। तो पूर्णांक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। तो इन्हीं को हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है ना। तो संख्या रेखा हमारी क्या होती, कोई भी रेखा खींच लीजिए, क्या कर लीजिए, कोई भी रेखा खींच लीजिए, और इन्हीं रेखा पर क्या करना है कि इन्हीं पूर्णांकों को क्या कर देना है, प्रदर्शित कर देना है। इन्हीं पूर्णांकों की जब बात करेंगे हम, तो संख्याएं हमारी होंगी ना पूर्णांक में, -5, -20, -10 है ना। ऐसे ही -999 कोई भी बड़ी संख्या हो क्या है, माइनस में। ऐसे ही धनात्मक पूर्णांक की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, अनंत संख्या हो जाएगी ना। तो जब भी हम बात करेंगे धनात्मक में, तो वह संख्या हमारी क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी, और माइनस संख्या में लिखी हुई तो कैसी होगी हमारी संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक होगी। तो जो पूर्णांक होते हैं वह संख्या रेखा पर कहाँ उपस्थित होते हैं, है ना। तो क्या हमने बताया कि यह जो रेखा है इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, कोई ना कोई मध्य भाग होगा, उसको हम जीरो से प्रदर्शित किया जाता है, है ना। तो जीरो के दाहिनी ओर चलते हैं, किसो दाहिनी ओर चलते हैं, है ना। तो उस साइड में क्या होती है आपकी संख्या, धनात्मक होती है। किस साइड में होते हैं, दाहिनी ओर चलते हैं, तो कैसी होती है संख्या हमारी, धनात्मक होती है। मींस राइट में चलते हैं, क्या चलते हैं, राइट में चलते हैं, और लेफ्ट में चलते हैं तो संख्या हमारी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो इस साइड जब भी आप चलेंगे, दाहिनी ओर राइट साइड में आप चलेंगे, तो संख्या हमारी धनात्मक होगी, और अगर हम बाएं साइड में चलते हैं तो हमारी संख्या कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, है ना। तो कोई भी संख्या है, अगर वह संख्या क्या है, माइनस में है, और वह संख्या जितनी बड़ी है वह संख्या उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी, और जो संख्या जितनी ही छोटी होगी वह संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो मीन्स क्या है कि जीरो के पास में जो संख्या लिखी होगी वह संख्या क्या है, बड़ी है, और जो संख्या जीरो से दूर जितनी जाएगी वह संख्या उतनी ही छोटी है। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं क्या कि -5 और -2, -2 और -5 में कौन सी बड़ी संख्या है, है ना। तो -2 सबसे पास पहले आप बताइए कि क्या है, जीरो के पास में आता है कि -5 आएगा, है ना। तो क्या आएगा, सबसे पहले -2 आएगा, है ना। तो क्या कहलाएगी वो संख्या कि वो क्या है, -5 से बड़ी है, है ना। तो हमने क्या कहा कि इस पे हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना है, है ना। तो हम लेते हैं एग्जांपल इसमें, कि हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, है ना, तभी और क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ना कोई एक रेखा खींच देंगे, क्या कर देंगे, कोई ना कोई एक रेखा खींच दिया जाएगा, और इस रेखा का क्या हमने कहा कि कोई ना कोई एक सेंटर भाग होगा, उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, जीरो से प्रदर्शित कर दिया जाता है, और दाहिनी साइड में चलते हैं इस रेखा पर तो वह संख्या क्या होगी, धनात्मक होगी, और बाएं साइड में चलते हैं तो संख्या हमारी ऋणात्मक होगी, है ना। अब इस पे हम बात करते हैं कि संख्याएं क्या हैं, कि -4 और +3 मीन्स 3 को क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, है ना। मैंने क्या कहा कि संख्या रेखा पर -4 और 3 को क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो कोई बात नहीं, है ना। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी संख्याओं को, आपको अंकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो हर अंक के बीच की जो दूरी होगी कैसी होगी, समान होगी। मीन्स 0 से 1 के बीच की जो दूरी है
वही एक और दो के बीच की होगी, दो और तीन के बीच की होगी, है ना। अगर इस तरह आप नहीं करते हैं तो सवाल आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक ही उसको गलत माना जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना है तो उनके बीच की जो दूरी होगी क्या होगी, समान होगी, है ना। ऐसे ही हम क्या कर देते हैं, ऋणात्मक पूर्णांकों को लिख प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो हमने क्या कहा कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आपके, धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आपका धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि माइनस फोर और थ्री को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, है ना। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले आप पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दीजिए अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमारे पास क्या था, माइनस फोर, तो यहाँ पर माइनस फाइव तक लिख दिया गया, और थ्री था तो यहाँ पे भी पाँच तक लिख दिया गया। अब इनको क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो हम क्या कर देते हैं, कोई ना कोई सिंबल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या ले लिया कि कोई सिंबल है, है ना। तो संख्या रेखा पर तीन कहाँ लिखा हुआ है, प्लस में है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कोई ना कोई एक सिंबल ए दे दिया। और उसी प्रकार माइनस फोर है तो संख्या रेखा पर हम देखते क्या है, कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो क्या हो गया, यही आपका उत्तर हो गया, क्या हो गया, आंसर यही हो गया, है ना। तो कितना आसान था। अगर इस तरह आपको नहीं करना है तो आप दूसरी तरह भी कर सकते हो कि इसको आप दिखा सकते हो एरो के माध्यम से कि कहाँ से हम चले हैं। तो कहाँ से हम चले हैं, जीरो से चले हुए हैं। कहाँ से चले हुए हैं, जीरो से चले हुए हैं ना। देखिए जीरो से चले तभी तो तीन पे पहुँचे हुए हैं। ऐसे ही कहाँ से चलेंगे, जीरो से चलेंगे कहाँ पे, माइनस फोर तक चलेंगे, है ना। तो आप दोनों माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी संख्या है उसको आप क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हमसे कहा जाता है क्या कि प्लस फोर और माइनस टू को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो भी आपको क्या करना है, यहाँ पे सी सिंबल दे दीजिए और यहाँ पे डी सिंबल दे दीजिए। क्या हो गया, यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। तो सवाल कितना सरल है। इसी तरह क्या करना है कि कोई भी पूर्णांक है उसको क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक बार फिर डिफिनेशन बताई जा रही है क्या कि कोई भी रेखा है उस पर पूर्णांकों को प्रदर्शित कर दिया जाए तो वही क्या कहलाएगा, आपका संख्या रेखा कहलाएगा, है ना। तो आपको समझ में आया होगा आशा करते हैं। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो इसी के बेसिस पे हमारा क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो सवाल है किस प्रकार हल होंगे, है ना। हमारा एक्सरसाइज का सवाल क्या है कि चार बटे तीन और माइनस दो बटे तीन को क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, है ना। तो कोई इसमें दिक्कत है नहीं, है ना। अभी हमने क्या बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेखा खींच देनी है। क्या करनी है, एक रेखा खींच देनी है। फिर इसका क्या होगा, एक बीच का कोई ना कोई सेंटर होगा। क्या होगा, कोई ना कोई सेंटर होगा। उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जीरो से प्रदर्शित कर दिया जाता है। और दाहिने साइड में कोई भी संख्या होगी तो किस में होगी, वह प्लस में होगी। और बाएं साइड में संख्या हमारी कैसी होती है, माइनस में होती है। तो कोई भी संख्या, जितनी भी संख्याएं लिखी होंगी बाएं साइड में, वो किस में होंगी, माइनस में। और इसमें जो होंगी आपकी दाहिने साइड में, वो किस में होंगी, आपकी धनात्मक में होंगी, है ना। तो क्या हमसे कहा गया क्वेश्चन की चार बटे तीन और माइनस दो बटे तीन को किस पे प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो क्या है, कुछ नहीं है ना, हमसे क्या कहा गया, चार बटे तीन ना। तो ऊपर हमको क्या करना है, गिनती लिख देनी है प्राकृतिक संख्याओं को, और बटे में क्या कर देना है, जो संख्या हमारी लिखी हुई है, क्या कि चार बटे तीन और क्या है, माइनस दो बटे तीन। तो बटे में कितना होगा आपका, हमेशा तीन लिखा होगा, है ना। तो हम क्या कर देते हैं, संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बटा तीन, दो बटा तीन, है ना, तीन बटा तीन। तो तीन तीन क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक मान लिया जाएगा। इसी प्रकार अगले पे क्या आएगा, अगर तीन त्रिक का नौ हो जाता है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, दो मान लिया जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार बटे तीन। नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा आपका, पांच बटे तीन। क्या हो जाएगा, पांच बटे तीन। ऐसे ही क्या करना है हमको,
बाएं साइड में चलना है। क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री, माइनस थ्री बाई थ्री, माइनस फोर बाई थ्री। तो माइनस थ्री और बाई माइनस थ्री है ना, माइनस थ्री बाई माइनस थ्री, तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन किसमें, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो इसमें से हमसे क्या कहा गया कि संख्या रेखा पर क्या पद करना है, चार बटे तीन। तो चार बटे तीन हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना। इसको क्या कर दीजिए आप, किसी ना किसी सिंबल से दिखा दीजिए, है ना। इसी प्रकार माइनस दो बटे तीन यहाँ पे मिल रहा है माइनस में, इसको क्या कर देते हैं हम, सिंबल से दिखा देते हैं बी से। यही क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया, है ना। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस तरह नहीं प्रदर्शित करते हैं तो क्या कर सकते हैं हम, दूसरे प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि जीरो से हम चलते हैं कहां तक, तीन तक चले हुए हैं ना। इस तरह का सिंबल हम यूज कर सकते हैं, इसी प्रकार आप इस तरह यहां पे भी कर सकते हैं, है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सवाल क्या होगा, समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार आपके क्या है, बहुत सारे एक्सरसाइज में सवाल है जिनको आप लगाने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं लगता है तो हमसे आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे एक्सरसाइज में सवाल जो है वो नहीं लग रहे, उसको हम लगाने की कोशिश करेंगे और आपको भी बताने की कोशिश की जाएगी, है ना। तो हम नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। क्या करना है, माइनस चार बटे तीन को किस पे प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। उसी प्रकार दो बटे तीन क्या करना है, सात को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं ना। तो क्या करिए आप, सबसे पहले एक रेखा खींचिए, किसके लिए, माइनस थ्री बाई फोर के लिए। मैंने क्या कहा, सबसे पहले एक रेखा खींचिए, इसका क्या करना है आपको, मिड पॉइंट चॉइस करना है, जिसको हम किससे प्रदर्शित कर दिया जाता है, जीरो से कर देना है। संख्या में क्या कहा गया है कि हमको किसको प्रदर्शित करना है, बाएं साइड में प्रदर्शित करना है ना, क्योंकि हमारी संख्या क्या है, माइनस में है ना। तो क्या करना है, समान दूरी लेनी है, हर अंक के बीच की जो दूरी होगी कैसी होगी, समान होगी ना, माइनस वन बाई बटे में कितना है, फोर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ऐसे ही टू बाई फोर, थ्री बाई फोर, फोर बाई फोर, है ना। तो जब यहाँ पे संख्याएं कट जाएंगी तो इसको क्या मान लिया जाएगा, आपका एक मान लिया जाएगा, है ना। तो यह इधर क्या हो जाएगा, इस साइड में धनात्मक में चलने की आवश्यकता है आपको नहीं है, क्योंकि हमको क्या बताना है, केवल माइनस में चलना है ना। हमारा एक सवाल क्या है, माइनस थ्री को किस पे प्रदर्शित करना है, माइनस थ्री बाई फोर को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है ना। तो क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, मिल कहाँ रहा है हमको, माइनस थ्री बाई फोर यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको क्या मान लिया जाएगा, उत्तर मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, उत्तर मान लिया जाएगा, है ना। तो यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि दो बटे सात है ना, इसको क्या करना है, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। इसके लिए भी आपको क्या करना है, एक रेखा खींचना है, क्या करना है, रेखा खींचना, और उस रेखा पे बीच का एक सेंटर भाग होगा। क्या मैंने बताया कि बीच का कोई ना कोई सेंटर भाग होगा, तो इसको भी सेम ऐसे ही करना है, कोई इसमें समस्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो सेंटर हो जाएगा, इस साइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, वन बाई सेवन, टू बाई सेवन, थ्री बाई सेवन। तो इसमें तो अब आपको आंसर पता ही हो गया होगा ना कि इसका आंसर कहाँ पे है, है ना। तो कहाँ पे मिल रहा है आपको, दो बटे सात यहाँ पे मिल रहा है ना। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। तो कितना इजी चैप्टर है आपका, और इसी तरह क्या है आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको क्या करना है, करना है। अगर कहीं पे क्या मिल जाता है आपको, बीस बटे सात मिल जाता है, तो क्या करना है आपको, 20 बटे सात तक चलना है ना संख्या रेखा पर। और जहाँ पे मिल जाए आपको 20 बटे सात, वहीं पे आप क्या कर दीजिए, इस तरह का सिंबल देके आप आंसर लिख दीजिए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, 1.4 है। यह जो एक्सरसाइज है वह परिमेय संख्याओं के कंपेयर पर है ना, कि इसमें हमको बताना क्या है कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है, और बड़ी है तो किसका प्रकार वो बड़ी है। परिमेय संख्याओं की हम बात करते हैं तो एक बार फिर आपको परिमेय संख्या की डिफिनेशन बता दिया जाता है कि जो संख्याएं किसके रूप में लिखी हुई हैं, p बाई q के रूप में लिखी हुई, किसके रूप में,
पी बाई क्यू के रूप में लिखी हुई है, वह संख्या क्या कहलाएगी? आपकी परमेय संख्या कहलाएगी। जहां पे क्या है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स q का जो मान होगा वह जीरो नहीं होगा, है ना। तो बात करते हैं क्या कि परमेय संख्या होती क्या है ना, तो क्या एक बटा दो परमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हमने क्या कहा कि कोई भी संख्या है p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित होगी। एक बटा दो क्या है? p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित है ना। वन को क्या कहा जाएगा? p, और दो को q कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्या q के वैल्यू जीरो है? नहीं है ना। तो यह हमारी क्या हो गई? परमेय संख्या हो गई, है ना। पॉइंट कुछ दिए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कि कोई भी परमेय संख्या है वह क्या होगी? धनात्मक है, और अगर धनात्मक संख्या है तो वह शून्य से हमेशा बड़ी होगी, है ना। मीन्स क्या कि आपके पास जीरो रुपए हैं, क्या है? जीरो रुपए हैं, और हमारे पास क्या है? पांच रुपए हैं। क्या है? पांच रुपए हैं। तो कौन सी संख्या बड़ी है? शून्य बड़ी है कि आपकी पांच बड़ी है? तो आप क्या कहोगे? पांच बड़ी है। तो क्या कहा गया फर्स्ट पॉइंट में, कि कोई भी धनात्मक संख्या है वह हमेशा क्या होगी? शून्य से बड़ी होगी। इसी प्रकार क्या है, जस्ट अपोजिट इसका है, कि कोई भी ऋणात्मक संख्या है वह हमेशा क्या होगी? शून्य से छोटी होगी, है ना। अगर आपसे क्या करता है, कोई दो रुपए माइनस में उधार लेता है, है ना, क्या कर लेता है? कोई उधार आपसे दो रुपए लेता है और आप क्या कर देते हो? दे देते हो, तो वह क्या है? माइनस में है ना। किसमें है? माइनस में। तो वह किससे छोटा है? जीरो से छोटा है ना। तो कोई भी ऋणात्मक संख्या है वह क्या से होगी? शून्य से छोटी होगी, है ना। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कि कोई भी धनात्मक संख्या है वह ऋणात्मक से हमेशा बड़ी होगी, है ना। मीन्स उधार लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला बड़ा होता है? तो हम जानते क्या है, कि जो भी उधार देता है वह हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, है ना। तो जब भी हम किसी भी धनात्मक संख्या की बात करेंगे कि धनात्मक संख्या बड़ी होती है कि ऋणात्मक संख्या बड़ी होती है, तो कौन सी संख्या बड़ी होती है? धनात्मक संख्या बड़ी होती है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना। हम एक्सरसाइज में आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, है ना। तो दो संख्याएं हमारी दी हुई हैं, उसमें से बताना क्या है कि इन दोनों में से संख्याएं हमारी कौन कौन सी बड़ी है। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या है कि माइनस चार बटे नौ और माइनस तीन बटे माइनस सात, है ना। इसमें से बताना क्या है कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। तो आपको बताया गया है क्या है चिन्ह में हमेशा, कि अगर संख्या में क्या लिखा होगा, कहीं पे माइनस माइनस लिखा होगा तो वह क्या होगा? प्लस होगा। फार्मूला है ये, इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि अगर माइनस माइनस है तो क्या होगा? प्लस होगा। अगर प्लस है माइनस है तो क्या होगा आपका? माइनस होगा। माइनस प्लस है तो क्या होगा आपका? हमेशा माइनस होगा, है ना। अगर कहीं पे प्लस प्लस दिया हुआ है तो क्या होगा आपका? प्लस होगा। तो ये कितने फार्मूले हैं आपके? चार फार्मूले हैं, और इनको क्या करिएगा, आप बिल्कुल याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये आपके क्या है, हमेशा क्वेश्चन में मिलेंगे। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस फोर और माइनस बटे नौ, तीन बटे सात। अब बताइए कि इसमें से कौन सी संख्या हमारी बड़ी है? क्या है क्वेश्चन? कि माइनस फोर बाय नाइन, तीन बटे सात, इसमें से कौन सी हमारी संख्या बड़ी है? तो अभी आपको लास्ट पॉइंट क्या बताया गया था, कि अगर संख्या हमारी कैसी है? धनात्मक है, और संख्या हमारी कैसी है? ऋणात्मक है। तो उसमें से कौन सी बड़ी होगी? हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होगी ना, अभी आपने जस्ट पॉइंट में देखा है, है ना। तो क्या होगी हमारी संख्या? माइनस चार बटे नौ से क्या है? बड़ी है। क्या है? बड़ी है, है ना। इसका मतलब क्या, कि जिस ओर क्या होगा, इस तरह का जो सिंबल होता है, इसमें जिस ओर का जो चोच होगा, क्या कि जिस ओर इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। मीन्स इस तरह की आपकी उंगली है, तो इसके जो बीच का जो गैप है, अगर जिधर जितना होगा वो क्या होगी संख्या? उतनी ही बड़ी होगी, है ना। तो अगर इस तरह का सिंबल बना हुआ है तो संख्या हमारी क्या है? तीन बटा सात क्या है? बड़ी है। किससे? माइनस चार बटे नौ से, है ना। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, कि माइनस सात बटे बारह
5/8 क्या है, 5/-8। इसमें से क्या बताना है कौन सी संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि क्या दोनों संख्याओं में ऐसा है कुछ कि माइनस और प्लस का हाल हो, नहीं है ना, दोनों संख्याएं किसमें, माइनस में। तो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, बस आपको कंपेयर करवाना है ना, तो आपको क्या करना है अगले स्टेप में दोनों का तिरछा गुणा कर देना है, क्या कर देना है, तिरछा गुणा कर देना है, है ना, माइनस 7/12 5/8 इन दोनों को क्या कर देना है, तिरछा गुणा कर देना है, है ना। क्या मैंने कहा कि अगर इस तरह का सिंबल कहीं मिल जाए तो दोनों को क्या कर देना है, तिरछा गुणा कर देना है और इनको भी आपस में गुणा कर देना है। कितना हो जाएगा, -7 × -8 / 12 × -8। ऐसे ही 12 × 5 / 12 × -8। तो क्या हमने देखा यहाँ पे कि कितना आ रहा है, 8 × 56 -- प्लस, तो कितना हो गया, +56 / 12 × 96 -96। इस साइड में क्या आ रहा है, 12 × 5 = 60, क्या आ रहा है, 12 × 5 = 60 और 12 × 8 = 96, है ना। तो अब इसमें से बताना क्या है हमें कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, 56 / -96 बड़ी है संख्या की हमारी, 60 / -96 बड़ी है, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों के हर क्या हो गए, अब समान हो गए ना, तो क्या दिक्कत है हमें, कोई दिक्कत नहीं ना। बस अभी आपको ये संख्या रेखा में बताया क्या कि जीरो के पास में कौन सी संख्या हमारी पड़ रही है, है ना, 56 पहले आ रहा है जीरो के पास में कि 60 आ रहा है, मीन्स जो गिनती हमारी है उसमें क्या आ रही है, आपका 56 आ रहा है पहले कि 60 आ रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी संख्या में कौन सी संख्या हमारी सबसे पहले आ रही है, 56 आ रही, तो 56 क्या हो गई, 60 से बड़ी होगी, है ना। तो आप हमेशा इतना ध्यान रखिए कि जो जीरो के पास में जितनी बड़ी संख्या होगी, मीन्स जीरो के पास में कोई भी संख्या है अगर वो पास में पड़ रही है तो वह संख्या हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। अगर वह संख्या क्या है, जीरो से दूर है तो वह संख्या उतनी ही छोटी है, है ना। संख्या पे मत जाइएगा कि 60 यहाँ पे है, बस आप देखिए क्या कि संख्या रेखा पर कौन सी संख्या हमारी पास में आ रही है जीरो के, है ना। तो ना अगर आपसे पूछा जाता है इसी सवाल में कि कौन सी संख्या इसमें से छोटी है, 4/-4/9 या और -3/-7 में कौन सी संख्या क्या है, छोटी है, तो आपको बताना क्या था, कुछ नहीं, आपका सिंबल क्या होगा, हमेशा छोटी की तरफ रहेगा, मींस 4/9 क्या है, बड़ी है कि छोटी है, छोटी है किससे, 3/7 से। सेम इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, -7/12 5/-8 में कौन सी संख्या हमारी छोटी है, 56/96 कि 60/96, तो कौन सी छोटी हमारी, 96 60/96, है ना। तो नेक्स्ट जो एक सवाल है हमारा इसी के बेस पे, बस क्या है आपका कॉन्सेप्ट केवल चेंज है, मींस क्या कि जो लैंग्वेज हमारी यहाँ पे बड़ी की जगह क्या है, छोटी लिखी है, सवाल में कोई परिवर्तन है नहीं, जितने भी स्टेप इसमें फॉलो किए गए हैं उसी तरह आपको उसमें भी स्टेप फॉलो करने हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि परिमेय संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होते हैं। तो जिन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, आरोही क्रम कहलाते हैं, और जिन संख्याओं को उसी का अपोजिट मीन बढ़ते क्रम के बजाय हम क्या करते हैं, घटते क्रम में लिख देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, अवरोही क्रम कहते हैं, है ना। इसी में आपने देखा होगा क्या कि बच्चे जब लाइन में खड़े होते हैं तो क्या होते हैं, सबसे पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे बड़ा बच्चा होता है ना। तो क्या क्रम में है वो, आरोही क्रम में है। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या, अवरोही, तो सबसे बड़ा फिर लास्ट में क्या होता है, सबसे बड़ा होता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा होगा, है ना। तो वो क्या क्रम, कौन सा क्रम कहलाएगा आपका, अवरोही क्रम कहलाएगा, है ना। तो इसी के क्रम में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या कि हमारा सवाल क्या है ना, क्वेश्चन क्या है हमारा, 5/7 - 4/9 2/3। इसका क्या बताना है हमें, आरोही और अवरोही क्रम बताना है ना, क्या बताना है, आरोही क्रम बताना है और अवरोही क्रम बताना है, क्या बताना है, अवरोही क्रम बताना है ना। तो कोई बात नहीं,
सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपको छांटना क्या है कि इसमें से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी। तो आपको बता क्या है कि पूर्णांक में कौन सी धनात्मक और ऋणात्मक देखना है ना। तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि मानस 4/9 है, क्या है, सबसे छोटी है ना। तो क्या होगा, अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानस 4/9 हो जाएगा। फिर इसके बाद में कौन सी हो जाएगी आपकी, 2/3, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अवरोही क्रम में चलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मीन्स लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 5/7 ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले, फिर 2/3, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 4/9। तो सवाल कितना ईजी है ना। तो इसी प्रकार क्या करना है आपको, ये भी सवाल करना है। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट सवाल में आते हैं और इसमें देखते हैं कि हमको किस प्रकार सवाल को लगाना है, है ना। तो इसमें भी क्या बताना है हमें, आरोही क्रम बताना है। क्या बताना है, आरोही क्रम बताना है, और क्या करना है, अवरोही क्रम बताना है, है ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आप लोगों को सवाल समझने में। तो इसमें क्या बताया गया कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या हमारी यहां पे कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी इसमें कौन सी है, -1/2। ये तो हमारा वैसे ही सवाल आंसर ही लिखा रखा हुआ है, 1/4 -1/8। इसी का हम क्या कर देंगे, और वही क्रम में उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -1/8 -1/4 -1/2, है ना। तो इसी प्रकार क्या है, आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल है जिनको आप क्या करिएगा, हल करने की कोशिश करिएगा, और नहीं लग पाएगा तो आप बताइएगा हमसे, है ना। मीन्स क्या कि कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।